हरिकेश सर, इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हरिकेश सिंह, क्लास टेंथ का अप्रोच का थर्ड लेसन लेके आया हूँ, द गंगा। गंगा को लिखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आज इसका पहला वीडियो है, तो मैं आपसे चाहूँगा यह कि जितने भी क्लास टेंथ के वीडियो हैं वे सब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, उनको आप लिंक करिए और लिंक करने के बाद से उन सारे वीडियो को देखिए। तो आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं अबाउट दी लेसन के बारे में। जब हमारा देश अंग्रेजी शासन की दास्ता से आज़ाद हुआ था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टमेंट ऑफ हिम। कह रहा है कि गंगा जो है, शीर्षक जो आपका लेसन है, उनकी अंतिम इच्छा तथा इच्छा पत्र से उद्धृत है। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपुल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन। वह भारतवासियों के प्रेम तथा स्नेह की कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। ही विशेस दैट ए माइनर पार्ट ऑफ हिज एक्सेस बी थ्रोन इनटू द गंगा। उनकी इच्छा है कि उनकी अस्थियों के थोड़े से भाग यानी एक मुट्ठी भर भाग को गंगा में विसर्जित कर दिया जाए और अधिकांश जो शेष भाग है उसको कहाँ और कैसे विसर्जित किया जाए, इसके बारे में आप पाठ में देखेंगे। तो आइए हम पाठ के बारे में चर्चा करें। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। करा आई हैव रिसीव्ड का मतलब होता है मिला या प्राप्त हुआ। सो मच इतना ज्यादा, इतना अधिक लव, प्रेम एंड अफेक्शन, स्नेह फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतवासियों से। यानी नेहरू जी कह रहे हैं कि मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है, दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। कह रहे हैं कि दैट की नथिंग दैट आई टू डू मीन्स मैं करूं, नथिंग जो कुछ भी कैन रिपे अदा किया जा सकता है, प्रायः इवन का मतलब प्रायः, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। स्मॉल फ्रैक्शन एक अंश ऑफ इट उसका, यानी कि मैं जो कुछ भी करूं उसका एक अंश भी नहीं चुका सकता या अदा कर सकता। किसका एक अंश भी, यानी भारतवासियों से उनको इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है उसके प्रति वो कह रहे हैं कि मैं जितना भी कुछ करूं भारतवासियों के लिए या इस देश के लिए उसका एक अंश भी मैं चुका नहीं सकता, उनका ये कथन है। एंड इन डीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रिशियस ए थिंग एज फ्रैक्शन। एंड इंडेड और कह रहा एंड इंडेड वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट का मतलब है कि नहीं अदा किया जा सकता या नहीं चुकाया जा सकता। आप सो प्रिशियस ए थिंग, इतना बहुमूल्य वस्तु, एज फ्रैक्शन का उसका भाग, और कह रहा है कि और वास्तव में प्रेम जैसी
अमूल्य वस्तु को चुकाया नहीं जा सकता, यानी जो भारतवासियों के द्वारा उन्हें प्रेम और स्नेह मिला है उस प्रेम और स्नेह को, यानी उतनी बड़ी या उतनी बड़ी अमूल्य वस्तु को वे कैसे चुकाएं, तो कह रहे हैं कि चुकाया नहीं जा सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड, कह रहा है कि मैनी हैव बीन, उनमें से अधिकांश या उन लोगों की, एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा की गई है, मीन्स उन लोगों में, माने उन लोगों में से अधिकांश लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन, और कुछ लोगों की रिवर्ड, सत्कार किया गया है। कह रहा है यहाँ कि अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है और कुछ का सत्कार भी किया गया है, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैव कम टू मी इन सच एबंडेंट मीजर्स। कह रहा है कि बट परंतु द अफेक्शन, स्नेह ऑफ ऑल क्लासेज, ऑल क्लासेज का मीन्स सभी जातियों या सभी वर्गों का, ऑफ द इंडियन पीपुल, भारत में रहने वाले जितने भी क्लास के लोग हैं या वर्ग के लोग हैं, सबके द्वारा, कम टू मी, मैंने मुझे मिला है क्या, इन सच एबंडेंट मीजर, एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, मीजर में मात्रा, प्रचुर मात्रा में मिला है, तो प्रचुर मात्रा में क्या मिला है, तो प्यार और स्नेह मिला है, तो इसको कहा जा सकता है कि परंतु भारत में रहने वाले लोगों की, सब जातियों या वर्गों का इतना अधिक प्यार मुझे मिला है, ये कथन नेहरू जी का है। दैट आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाई इट, दैट की आई हैव बीन ओवरवेलमेड का मतलब होता है अभिभूत बाई इट, इसका माने कि इससे मुझे इसने मुझे अभिभूत कर दिया, या कह सकते हैं कि बहुत प्रसन्न कर दिया, क्या, तो जो प्यार और स्नेह मिला है वह उनको बहुत ही अभिभूत कर दिया या उनको प्रसन्न कर दिया। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लीव, कह रहे हैं आई कैन ओनली एक्सप्रेस, आई कैन ओनली, मैं केवल एक्सप्रेस, व्यक्त कर सकता हूँ द होप, आशा, यानी मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ, दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, बचे हुए शेष वर्षों में, आई माई लिव, यानी मेरे जीवन के बचे हुए शेष कुछ वर्षों में, इसको कह सकते हैं कि मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि मैं अपने जीवन के बचे हुए कुछ वर्षों में, आई शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन, आई शैल नॉट बी वर्थी, मैं योग्य नहीं होऊंगा, सॉरी, या अनवर्थी का मतलब अयोग्य, मैं अयोग्य नहीं होऊंगा ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों, तथा एंड दिया एंड तथा देयर अफेक्शन, उनके प्यार, यानी मैं अपने लोगों तथा उनके प्यार के प्रति अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा, टू माई इनम्यूरेबल कॉमर्स एंड कॉलिग्यूज आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कह रहा है कि टू माई इनन्यूमरेबल मीन्स असंख्य, कॉमरेड्स मीन्स साथी होता है, एंड कॉलीग्यूज मीन्स सहकर्मी, तो कह रहा है कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का आई ओ ऋणी हूँ, एंड डीपर डेप्ट अधिक ऋणी हूँ, मैं उनका बहुत अधिक ऋणी हूँ,
आप ग्रेटिट्यूड उनके एहसान का, यानी मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का एहसान का अधिक ऋणी हूँ। तो ये चीज़ उन्होंने तब कहा कि जब देश को आज़ाद कराने की बात हुई तो उसमें बहुत से उनके साथी, उनके सहकर्मी और अनेक लोग, असंख्य लोग थे जो उनके साथ थे, इस देश को स्वतंत्र कराए, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। तो वही कह रहा है कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के एहसान का अधिक ऋणी हूँ, न कि उनके प्रेम और स्नेह का। इसका मतलब यह लाइन यहाँ रहेगा, वी हैव ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग। वी हैव ज्वाइंट पार्टनर्स, पार्टनर्स मीन्स होता है हिस्सेदार, इन ग्रेट अंडरटेकिंग। ग्रेट अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि महान दायित्व या महान कार्य। तो हम सभी लोग महान कार्यों या महान दायित्वों में इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं, यानी वे जो असंख्य साथी और सहकर्मी हैं वे सभी लोग महान कार्यों या महान दायित्वों में इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये। एंड हैव शेयर्ड द ट्रियम्फ एंड सॉरोज विच इनविटेबली एकम्पनी देम। एंड हैव शेयर्ड, शेयर्ड का मतलब होता है यहाँ हिस्सेदार या भागीदार, द ट्रियम्फ सुखों का एंड सॉरोज और दुखों का, विच जिसने इनविटेबली अनिवार्य रूप से एक कंपनी साथ में देम उनके, यानी और इनमें अनिवार्य रूप से आने वाले सुखों और दुखों के भागीदार रहे हैं, यानी वे लोग जितने लोग उनके साथ थे वे उनके सुख में भी थे और उनके दुख में भी उनके भागीदार यानी हिस्सादार रहे हैं या उनके साथ रहे हैं। When I die, और वो क्या कह रहे हैं, When I die, I should like my body to be cremated. When जब I die, मैं मरूं या जब मेरी मृत्यु हो, I should like, तो मेरी इच्छा है my body, मेरे शरीर को, to be cremated, यानी शरीर का दाह संस्कार, क्रीमेटेड का अर्थ होता है दाह संस्कार किया जाए, यानी जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, कह रहा है कि यदि आई डाई, मैं मरूं इन फॉरेन कंट्री, विदेश में, फॉरेन कंट्री मीन्स विदेश में या अदर कंट्री कह सकते हैं, अन्य देश में, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड माई एशेस सेंट टू इलाहाबाद। कह रहे हैं कि माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, देयर मीन्स वहाँ, मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए, वहीं का मतलब जहाँ मेरी मृत्यु हो वहीं कर दिया जाए, मतलब मेरी बॉडी को इंडिया न भेजा जाए, उसका दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। एंड माई एसेस, और जो मेरी अस्थियां हों यानी राख हो, सेंट टू इलाहाबाद, केवल अस्थियों को इलाहाबाद भेजा जाए, न कि उनके पार्थिव शरीर को भेजा जाए, इनका यही इच्छा है, अंतिम इच्छा। और क्या कह रहे हैं, आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन टू द गंगा, यानी ए स्मॉल हैंडफुल, एक मुट्ठी भर आप दीज एसेस, उन अस्थियों में से थोड़ा सा भाग यानी माइनर पार्ट कह सकते हैं, शुड बी थ्रोन, विसर्जित कर दी जाए इन टू द गंगा, गंगा में, यानी इन अस्थियों का मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए या विसर्जित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। एंड द मेजर पोर्शन, और अधिकांश भाग ऑफ देम, उनका, उनका का मतलब उन अस्थियों का अधिकांश भाग, अधिकांश हिस्सा,
डिस्पोज्ड यानी निपटाया जाए मीन्स विसर्जित किया जाए ऑफ इन द मैनर, मैनर का मीन्स इन तरीकों से इंडिकेटेड बिलो, जो नीचे दर्शाए गए हैं, जो नीचे बताया गया है कि किन तरीकों से उनके अस्थियों को, अधिकांश अस्थियों को विसर्जित किया जाए वो नीचे बताया गया। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व, कह रहा है कि नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, उन अस्थियों के किसी भी पार्ट को शुड बी रिसेंड, बचा कर न रखा जाए और प्रिजर्व्ड सुरक्षित रखा जाए, मीन्स इन अस्थियों के किसी भी भाग को बचा कर न रखा जाए यानी सुरक्षित न रखा जाए, उनको विसर्जित कर दिया जाए। अब आगे की जो पार्ट है उसको आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे कैसे विसर्जित हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक, इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।